एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन टेंशन मत लो, हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाले हैं और ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स के बारे में स्टॉक मार्केट में। तो आइए आज पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। सिंपल टर्म्स में अगर हम इसे समझें तो डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू से डिराइव होती है। ये अंडरलाइंग एसेट्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स या फिर मार्केट इंडेक्सिंग हो सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये सबसे पहले अगर इनकी शुरुआत करें हम तो फ्यूचर्स की हम बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है जिसमें आप फ्यूचर डेट पे एक असेट को प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे बाय या सेल करते हो। जैसे अगर आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस अगले 6 महीने में बढ़ने वाला है तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आज का प्राइस लॉक कर सकते हो, चाहे एक्चुअल परचेस बाद में होगा। ये तो हुई फ्यूचर्स की बात, अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बायर को राइट देता है, ये ऑब्लिगेशन नहीं कि वो एक असेट को एक सेट प्राइस पे एक सर्टेन डेट से पहले बाय या फिर सेल कर सकता है। ये दो टाइप के जो ऑप्शंस होते हैं इन्हें समझना बहुत जरूरी है, वो है कॉल ऑप्शंस व्हिच इज राइट टू बाय और पुट ऑप्शन जो कि होता है राइट टू सेल। अगले की बात करते हैं जो आता है फॉरवर्ड्स। फ्यूचर्स की तरह ही ये होते हैं लेकिन फॉरवर्ड्स प्राइवेट अग्रीमेंट्स होते हैं दो पार्टीज के बीच में और एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते हैं। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान में रखिए। और फ्यूचर्स के साथ साथ स्वैप्स को भी समझना जरूरी है। स्वैप्स इन्वॉल्व्स कैश फ्लोज या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सचेंज करना बिटवीन पार्टीज। एक कॉमन एग्जाम्पल है इंटरेस्ट रेट स्वैप। अब चलिए, क्या हम डेरिवेटिव्स का यूज भी कर सकते हैं ये जानते हैं। तो आइए अब ये समझते हैं कि डेरिवेटिव्स का यूज क्यों किया जाता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले बात करते हैं हेजिंग की। तो हेजिंग ये होती है जिसमें इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव का यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को पोटेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे अगर एक फार्मर को लगता है कि वीट का प्राइस गिर सकता है तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके आज का प्राइस लॉक कर सकता है और इंश्योर कर सकता है कि अगर प्राइसेस गिरें तो उसे लॉस ना हो। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन। ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स का यूज करके मार्केट मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश जरूर करते हैं क्योंकि डेरिवेटिव्स हाईली लेवरेज्ड होते हैं या सिग्निफिकेंट गेन्स का चांस देते हैं, लेकिन हायर रिस्क भी होते हैं। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने की। समझने वाली बात आर्बिट्राज भी है, इसमें मार्केट के प्राइस डिफरेंसेस का एडवांटेज लेके प्रॉफिट बनाना होता है। जैसे अगर गोल्ड का प्राइस एक मार्केट में कम है और दूसरे मार्केट में ज्यादा तो ट्रेडर सस्ते मार्केट से गोल्ड बाय करके महंगी मार्केट में सेल कर सकता है और इसे आर्बिट्राज कहते हैं। लेट्स नो द रिस्क ऑफ डेरिवेटिव्स, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स के रिस्क के बारे में। जितने यूजफुल डेरिवेटिव्स हो सकते हैं ना उतने ही रिस्की भी होते हैं। मेन रिस्क लेवरेज होता है क्योंकि आप स्मॉल इनिशियल इन्वेस्टमेंट से लार्ज अमाउंट्स ऑफ असेट कंट्रोल कर सकते हो। और अगर मार्केट आपके पोजीशन के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट लॉसेस का पोटेंशियल होता है। ये रिस्क समझना बहुत जरूरी है और डेरिवेटिव्स का यूज बहुत ही केयरफुली करना बेहद जरूरी है। तो ये थी एक बेसिक ओवरव्यू डेरिवेटिव्स के बारे में जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है बेहद ही आसान भाषा में स्टॉक मार्केट में। शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, लेकिन बेसिक समझ आने के बाद ये हेजिंग, स्पेक्यूलेशन और आर्बिट्रेज के लिए पावरफुल टूल बन सकते हैं। याद रहे, हमेशा अपना रिसर्च खुद करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सब्सक्राइब कीजिए आज ही इस चैनल को और स्टे ट्यून्ड विद अस।